लो भाई, एक बार फिर ससुराल सिमर का और स्वरागिनी का मर्जर एपिसोड देखने वाला है। इसीलिए तो सिमर पहुंच गई है रागिनी के घर और उसी के साथ बैठकर दोनों ही अपने अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रही हैं। सिमर यहाँ रागिनी की मदद करने आई हैं, भले ही स्वरागिनी का परिवार कोलकाता में रहता हो, भले ही सिमर का ससुराल किसी और शहर में हो, लेकिन फिर भी मदद करने ये एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं और हाँ, खुशी भी जताते हैं। नहीं, अभी टेम्परेरीली सारी टेंशन सॉल्व हो चुकी है, वी हैव हैप्पी टाइम्स फॉर सम टाइम, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे टेंशन फ्री लाइफ डाइजेस्ट नहीं होती, नहीं होते हमारे शो में बहुत ज़्यादा टेंशन है और अभी समझ नहीं रहा था कि अब किस किस को दे। सो ऑब्वियसली द प्रॉब्लम सॉल्वर सिमर हैड टू कम एंड हेल्प अस आउट। सिमर रागिनी बातों में तो खुशी जता रहे हैं, लेकिन सिमर जैसे ही रागिनी के घर पहुंची, उसे अपने दरवाजे पर देखकर रागिनी ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और सिमर बेचारी बनकर वहां से लौट गई। साथ में कोई और महिला भी थी जिसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। अब यह सिमर रागिनी की मदद कैसे कर पाएगी? मुझे इस बात का भी, क्योंकि मैं और रोली भी बहुत क्लोज हैं, तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि दो बहनों के बीच में दरार है, इसीलिए भी मैं यहाँ पे इनकी मदद करने आई हूँ। और मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से इनको ये कन्विंस कर सकूँ कि स्वरा निर्दोष है, ताकि वो जो बहनों का बॉन्ड है वो दोबारा से बिल्डअप हो सके। सिमर की कोशिश कितनी कामयाब होती है और स्वरा रागिनी को एक कर पाएगी या नहीं, ये सवाल तो उठता ही नहीं, क्योंकि सिमर पुरानी खिलाड़ी है, एक कामयाब बहू है और अच्छे अच्छों के साथ लड़ाई कर चुकी है। उसने अगर कुछ तय किया है तो वो पूरा होकर ही रहेगा, फिर चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, सिमर जरूर जीतेगी। ABP News Report।